अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बच गए। ईशानी, तू यहाँ क्या कर रही है? तू अब तक काम पे नहीं गई? मैं बस जा ही रही हूँ। ये ट्राई करो। रच्छू, ये क्या पहना है तूने? दाई, वो मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। ये कुर्ता क्यों पहना है तूने? तुझे पता ही है। दाई, वो मुझे ना एक ऑडिशन के लिए जाना था, लंदन वाली एड के लिए, तो उन्हें ना कुछ इंडियन लुक में चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपका कुर्ता पहन लेती हूँ। रचू, ये मेरा कुर्ता नहीं है, किसी और का है, उतार के दे दे मुझे, मुझे वापस करना है। ईशानी का फोन? अगर इस मैडम ने अपना फोन चेक कर लिया ना, तो हम सबकी बैन बच जाएगी। जल्दी से इसका सिम कार्ड चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, आप एक काम करो, आप रेडी हो जाओ, मैं तब तक ये कुर्ता चेंज करके लाती हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ, हमें ईशानी की सिम कार्ड चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, आप एक काम करो, आप उसे बातों में लगा कर रखो, मैं जाके एक काम करके आती हूँ। जा 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 जा, जल्दी जल्दी उठा। ओए जानू जी, आज तुम्हें बहुत खुश आएगी जी, और तुसे सुनोगे ना तो तुसे भी खुशी से उछल पड़ोगे। 2.5 घंटे में 2.5 लाख झटक लाई फटी है मीना। और तूने ना छोटी मोटी चोरियां करके ना सारी जिंदगी गुजार देनी है। वो काम की बात सुन, अब डुप्लीकेट भांजा है ना अनिकेत, वो भी ईशानी को पसंद करता है। वही प्रपोज करा है उसने उसको। उसे थानू कैसे पता? और शिव के मुंह से खुद सुना है मैंने। वो शिव के पास आई थी वो उसको प्रपोज करने, वो कहती कल रात को आप मेरे को प्रपोज करने आए और आज मैं आ गई। और जब मैंने पूछा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, तो मुझसे कहती है मैं उसके घर गया था उसे प्रपोज करने। लेकिन तू उसके घर गया था ना? हाँ गया था, लेकिन मैं उससे मिला नहीं था। सच के ऊपर वाला सच बोलू ना, किसी अगर यहाँ था तो साडा डुप्लीकेट भांजा अनिकेत तो गया होगा ना उसको प्रपोज करने। अनिकेत? वाह ओए, मैंने तो पहले ही पता था, अगर वो ईशानी के लिए तेरे को धमकी दे सकता है इसका मतलब वो उसको बहुत प्यार करता होगा। जानू जी, मैं सारा खेल बहुत अच्छे से समझ गई जी, मतलब तोटे दोनों भांजे उस चोनी ईशानी के प्यार में पागल है जी। ये तो बहुत ही कमाल हो गया जी। मैं क्या ना, अब ऐसे में अनिकेत को अगर शिव और ईशानी की लव स्टोरी के बारे में मालूम चल जाए ना, तो फिर तो कहानी में और भी मसाला लग जाना है जी। वो तो ठीक है एकदम, पर यार वो सारी बसुड़ी ये है कि अनिकेत ना हमारे को मिल ही नहीं रहा। ओ मैं क्या जी, वो ना बहुत चलाक बंदा है। हाँ, अगर अनिकेत वो वीडियो देख ले ना जिसमें शिव और ईशानी तो जिस्म तिक जान बने हुए हैं ना, तो फिर देखना उसने आग लग जानी है और वो बिल्कुल तड़प के ना ईशानी से मिलने चलाएगा। वो कौन से वीडियो की बात कर रही है तू? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।